अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और जनाब आज जो है एक और नई व्लॉग के साथ हाजिर है मोना। आज की व्लॉग जो है वो बेसिकली है शीरमाल व्लॉग। और शीरमाल व्लॉग में जो है हम आज बताएंगे कि किस तरह मेरी सिस्टर ने जो है वो अपने घर जब हमें इनवाइट किया था तो शीरमाल बनाए थे। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि लास्ट रमजानों में मैं जो है अपनी सिस्टर की तरफ गई थी, जहाँ पे उसने बनाए थे मजेदार किस्म के शीरमाल। तो आज उसी की रेसिपी को शेयर करने हम जा रहे हैं। और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि वो मेरे घर आए और हमें बताए कि किस तरह उसने जो है वो शीरमाल बनाए थे। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं इस व्लॉग को। इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो अब मिलते हैं समीरा से। ये है समीरा। आप लोग सब मुझसे पहले मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, आप लोग मिल चुके हैं, बल्कि हम एक दफा इफ्तार पार्टी में गए थे। और सैम, तुम्हारे वो जो जबरदस्त किस्म के शीरमाल थे उसकी बहुत रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि तुम व्यूअर्स को भी बताओ कि किस तरह जो है क्या क्या तैयारी है और किस तरह है। तो आइए नाजरीन, ठीक है, चलते हैं किचन में, किचन की तरफ चलते हैं और फिर जो है हम क्या कहते हैं तैयारी शुरू करते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स से। जो मैंने निकाला है 1 किलो मैदा और जो वाइस मील होता है इधर जर्मनी में, ठीक है, नीडो का दूध, खुश्क दूध कोई सा भी आप एशियन शॉप से ले सकते हैं जो यहाँ मिलता है, ठीक है। ये है पूरा सूखा, आप नॉर्मल सूखा भी यूज कर सकते हैं। ये 100 ग्राम आपको यूज करनी है, ठीक है, सही। अच्छा, 250 ग्राम जो है हम बटर यूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम 2 छोटे चमचे जो है वो नमक के हैं, ठीक है। हम इसमें हेफे यूज करेंगे 1.5, ये 2 है रखे हुए हम, लेकिन इसमें से 1.5 यूज करेंगे, ठीक है। ये आप खुद देख लीजिए, ये इलायची का पाउडर है, खाटा माम पाउडर, ये आपको अपने टेस्ट से डालना है, मतलब किसी को ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल लीजिए, किसी को कम। मैं वैसे 1/2 टीस्पून इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पानी है वो गूंदने में हमें जितनी जरूरत होगी हम वो यूज करेंगे, इसको जरा सा हार्ड गूंद लेंगे और फिर इसमें फिर मैं तरीका बताती जाऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो पानी इसमें हम डाल रहे हैं। अच्छा, पानी जो है सैम, ये गुनगुना लेना है या नॉर्मल लेना है? हमने थोड़ा सा गुनगुना लिया है, थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें हेफे मिक्स करेंगे ना तो उसकी जरा अच्छा हो पाएगी। अच्छा जनाब, ये जो है हमारा हेफे जो है वो इसमें शामिल हो गया है। ये 2 पैकेट हम इसमें हेफे के 2 ही डाल दो, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज्यादा लिया है हमने ना। हाँ, 2 ही डाल दो क्योंकि आटा मुझे लग रहा था है। इसके बाद इसमें नमक शामिल, सैम बताती रहिए। जी, नमक मैंने डाल दिया, अब मैं शुगर डाल रही हूँ। ये शुगर इसमें ऐड कर दिए हमने, वाजी वाह। इसमें शुगर जो है वो पूरी घोल ली है, ठीक है, वो तो आराम से घुल दी गई क्योंकि वो पाउडर शुगर थी। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध मिक्स करना शुरू करेंगे, इसको भी पूरा हम मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। इलायची आप लोग अब हस्बे टेस्ट आप डाल सकते हैं। तो ज्यादा डाल सकती हूं, हाँ मुझे अच्छी लगती है इलायची। अब ये इतना देखिए काफी सख्त आटा हमने गूंद लिया, इसमें अभी हमने बटर नहीं डाला है, अब हम इसमें बटर मिक्स करना है। बटर हमने मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में और अब हम इसको जैसे तहर टाइप की आप बता रही हो, हाँ, इसको अब हम ना हमने ये बड़ा सा ले लिया, आपके पास कोई बाउल हो बड़ा सा या कोई भी चीज हो जिसे फैला सके, फैलाना है। अच्छा सही, इस तरह बिल्कुल फैला लेंगे। अब जनाब इस तरह जो है हमने इसको बेलना शुरू करा और इसके अंदर ऑयल जो बटर था हमारा उसकी हम तह लगाते रहे। आप चाहें तो इस आटे को गूंद भी सकते हैं और गूंद गूंद के इसमें जो है वो आप बटर शामिल कर सकते हैं, मगर हमने इसको इस तरह से तह लगाई थी। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास इस वक्त जो है, हमारे पास तो क्योंकि मशीन नहीं थी आटा गूंदने की, अगर आपके पास आटा गूंदने की मशीन है तो आप ये काम उस पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप उसमें सारा आटा शामिल करें और उसके बाद जो है उसमें वक्तन फवक्तन बटर शामिल करके और उसको मशीन को चलाते रहें, तो उससे यह है कि बहुत अच्छी तरह जो है ये आटा गूंद जाएगा।
जी जनाब, तो ये देखिए ये आटा इस वक्त तैयार हो चुका था और इस आटे को हमने एक घंटे के लिए जो है वो रख दिया था ताकि अच्छी तरह जो है ये थोड़ा सा खमीर हो जाए। उसके अलावा जब एक घंटे का टाइम था तो इसमें हमने बनाई मज़ेदार किस्म की कॉफ़ी और हमने कॉफ़ी का ब्रेक लिया। कॉफ़ी के साथ साथ मुझे बनाना था कोरमा, तो कॉफ़ी भी पी रही थी और मैंने जो है प्याज फ्राई करने के लिए रख दी थी। जब प्याज फ्राई हो गई तो मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सा कोरमा बनाना था जो कि पैकेट्स का बनाना था, कोई मैंने इसमें ख़ास मसाले शामिल नहीं किए थे। तो इसमें मैंने दो पैकेट शान के ले लिए थे, दही था, लहसुन अदरक था और चिकन थी। उसके अलावा जो है प्याज मैंने फ्राई कर दी थी। अब जनाब चिकन में जो है मैंने लहसुन अदरक डाल के उसको नॉर्मली बिल्कुल सिंपल सा उसको भून लिया। उसके बाद जब वो भुन गई तो मैंने उसके अंदर दोनों पैकेट जो हैं वो कोरमे के डाल दिए थे और उसके अलावा जो है दही डाल के उसको अच्छी तरह भून। अच्छा जी, अब हमें कोरमे में जो चाहिए है वो चाहिए है जायफल चाहिए है और क्या कहते हैं ये जावित्री है और उसके अलावा जो है ये इलायची का पाउडर है। ये अब हम जो है ना ये एंड में जब बिल्कुल मेरा कोरमा तैयार हो जाएगा ना तो मैं उसमें ये ऐड कर दूंगी। असल में मेरे पास जो थी वो 2 किलो चिकन थी जिसकी वजह से मैंने 2 पैकेट उसमें जो है मसाले के ऐड किए हैं। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो आप जो है वो 1 पैकेट डाल सकते हैं। इसमें मैंने एंड में जो है ये मसाले डालने थे और केवड़ा डालना था और इस वक्त जो है मैं इनको हल्का सा जो थी समीरा जो थी वो इसको कूट रही थी और उसके बाद जो है हम ये कोरमे में शामिल कर देंगे। हाँ जनाब, तो ये देखिए इस वक्त जो है मज़ेदार किस्म का कोरमा जो है वो तैयार हो चुका था और उसमें जो है हम इस वक्त वो मसाला ऐड कर रहे थे। ये मैंने केवड़ा ऐड किया और इसको जो है थोड़ी देर के लिए हमने ढक के रख दिया ताकि ये दम पे आ जाए। उसके अलावा दूसरी तरफ हमने तंदूर जो था उसको ऑन कर दिया था, वो तेज़ होने लगा था और इधर हमने बनाना शुरू करे अपने शीरमाल। और ये शीरमाल जो है ये भी ऐसे मिनटों में बने हैं क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का तंदूर है जो कि यहाँ पर आसानी से एशियन शॉप्स वगैरह पे मिल जाता है, पाकिस्तानी शॉप से भी मिल जाता है, इंडियन शॉप से भी आपको मिल जाएगा, तो ये आप आराम से ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है मेरा जहाँ तक ख्याल है ये तकरीबन 30 से 40 यूरो तक का मिलता है और बहुत अच्छा इसमें रोटी और नान या आप अगर शीरमाल बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बन सकते हैं और ये बड़ा तेज़ी से गर्म भी हो जाता है। तो जनाब ये देखिए इस वक्त जो है हमारा ये दूसरा शीरमाल तैयार हो रहा है। अच्छा, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक जो है वो मुझे पता लगी जो कि समीरा ने ही मुझे बताई कि जब ये नान जो हैं तैयार हो जाते हैं तो इनके ऊपर पानी का अच्छा खासा छिड़काव किया जाता है और हल्का सा बटर लगाया जाता है। ये जैसे इस तरह हमने खूब ढेर सारा इस पर पानी लगाया है और इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर बटर लगाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह हमारे ये देखें रोगनी नान जो हैं वो तैयार हो चुके थे। तो अब जो है कोरमा तैयार हो चुका है और शीरमाल भी तैयार हो चुके हैं, तो अब क्यों ना मैं आपको खा के बताऊं कि कैसा टेस्ट है इन सब चीजों का। बहुत ही मज़ेदार, और कहते हैं ना कोरमे के साथ जो नान का मज़ा आ रहा है ना, आप यकीन जाने कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आएगा। मुझसे रुक नहीं रहा, सॉरी। नाज़रीन और हाज़रीन, इस वक्त मैंने जो है वो ज़बरदस्त गर्मा गर्म शीरमाल और गर्म गर्म कोरमे के साथ जो है नोश फरमाया है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जी जनाब, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये व्लॉग जो है आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।